ब्रेक बाद फरीथी आपनुं स्वागत छे। महत्वना समाचारोथी शरूआत। राहुल गांधी ने कांग्रेसना अध्यक्ष बनाववानी मांग उठी छे। जी हां, फरी एक वार अध्यक्ष बनाववानी नेताओए करी छे मांग। दिल्लीनी कांग्रेस वर्किंग कमिटीनी बैठकमां राहुल गांधीना नामनो प्रस्ताव राखवामां आव्यो छे। राहुल गांधीए कह्युं, मने थोड़ो समय आपो। राहुल गांधी 16 डिसेम्बर 2017 बन्या हता अध्यक्ष। 2019 लोकसभानी चूंटणीमां कारमी हार बाद तेमणे राजीनामुं आप्युं हतुं। जो कि फरी एक वार तेमणे अध्यक्ष बनाववानी मांग उठी छे। कांग्रेसनी वर्किंग कमिटीनी बैठकमां आ प्रस्ताव मूकवामां आव्यो छे। तमाम नेताओनुं कहेवुं छे कि राहुल गांधीने फरी एक वार अध्यक्ष बनाववामां आवे। गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। रघु जी, जिस तरह से सीडब्ल्यूसी की बैठक 5 घंटे चली, अंदर से जो खबरें आई कि सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर कह दिया कि पार्टी के नेताओं को मीडिया के सामने जाने के पहले उनसे बात करनी चाहिए थी, वो सबसे बात करते हैं, किस तरह देखा जाए? G23 के लिए एक संदेश था कड़ा। किसी के लिए संदेश नहीं है, पार्टी एकजुट है सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में। और ये बात सही है कि पार्टी में अनुशासन तो जरूरी है, बिना अनुशासन के पार्टी कैसे लड़ाई लड़ेगी मुद्दों के आधार पर, ये तो जरूरी है। और ये हम सबको समझना, मेरे को भी समझना, हर व्यक्ति को समझना जो कांग्रेस में काम कर रहा है, कि मुझे जो बात सोनिया जी को कहनी है, जो राहुल जी को कहनी है, वो बात मैं सड़क पर आके क्यों कहूँ? ये तो साफ है। कपिल सिब्बल के घर जो हुआ था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, क्या वो मुद्दा भी उठा था अंदर? सिब्बल साहब ने उठाया वो? ये सब बातें नहीं उठती है कभी भी CWC की मीटिंग में, और मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं कि किसके यहाँ क्या हुआ है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस एकजुट है, राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में पार्टी एकजुट है। और जो दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, इस देश के ऊपर जो अत्याचार किसानों के ऊपर हो रहा है, इन सब तबकों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी आने वाले टाइम में करेगी। या तो चुनाव है तो भी उसमें चुनाव लड़ेगी, जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ भी तो अत्याचार है। संगठन चुनावों के ऐलान की बात कही गई, किस नाम पर मुहर लगी है? क्या कोई गांधी परिवार से अलग कोई होगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, या फिर गांधी परिवार से? देखिए, हमारे पास नेतृत्व है सोनिया गांधी के रूप में, जिन्होंने 10 साल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की, जिनके नेतृत्व में सरकार बनी है, जिन्होंने RTA दिया है, जिन्होंने फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया, जिन्होंने नरेगा दिया इस देश को। हमारी उपलब्धियाँ शानदार है। सत्ता तो आती और जाती रहती है। अब BJP सत्ता में है, इसका ये मायना नहीं है कि हम सत्ता में नहीं आएंगे। तो राहुल गांधी बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले? राहुल गांधी आज भी देश के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के स्वीकार्य नेता हैं, वो की भावना है राहुल गांधी जी नेतृत्व करें, इसमें क्या शंका है? CWC में सभी नेताओं ने कहा, सब ने, वन टू ऑल। एक आखिरी सवाल मेरा, CWC में सोनिया जी ने मुद्दे उठाए लखीमपुर खीरी के, कश्मीर के, हाथरस के, हर मुद्दे उठाए, लेकिन जो सिंघू बॉर्डर पे हुआ, वो भी दलित व्यक्ति था, वो भी पंजाब का ही था, उसको बर्बरता से हत्या कर दी गई, ये नहीं मानेंगे? ये आरोप लग रहा है उन्होंने सिर्फ दलित एट्रोसिटी की बात की है देश के अंदर, किसानों पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो बात की है, इंडिविजुअल मुद्दे की बात ही नहीं होती है वर्किंग कमेटी के अंदर। सबको मालूम है इश्यूज के ऊपर बात होती है, हाईएस्ट बॉडी हमारी। विपक्ष के ऊपर सरकार ये आरोप लगा रही है कि विपक्ष सिर्फ गिने चुने मुद्दे उठाती है जहाँ भाजपा की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहकर भी आरोप की राजनीति कर रही है, ये दुर्भाग्य की बात है। उनकी आदत पड़ी हुई है कि जो आदमी विपक्ष में रहा है तब वो आरोप लगाते थे, समझ में आता था, अब तो खुद सत्ता में बैठे हैं, उनको मालूम है, गवर्नेंस वो खुद दे रहे हैं, हम लगाएंगे आरोप? अब तो BJP आरोप नहीं लगा सकती। चलिए, अंतिम सवाल, गुजरात की कमान अब आपने संभाली है, गुजरात को जल्द से जल्द, 1 साल बचा है चुनाव को, गुजरात में जल्द से जल्द प्रदेश अध्यक्ष और CLP लीडर मिले, वो कब तक आप फैसला ले लेंगे? बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। वहाँ 3 दिन की बैठक में क्या कुछ खुलकर सामने आया, क्योंकि गुजरात में भी आंतरिक कलह बहुत तरह, 1-to-1 इंटरेक्शन किया सबसे, हमारे पार्टी के विधायकों से सबसे सबसे बात की है, तो फैसला तो होना ही चाहिए, फैसला नहीं होगा तो फिर कैसे काम आगे बढ़ेगा? होगा फैसला। गुजरात में भी पार्टी में 2 फुट देखने मिली है कि हार्दिक की टीम अलग है, अमित चावड़ा की टीम अलग है। गुट नहीं है ये, आप लोगों का नजरिया है कि आप उसको गुट की तरह से देखते हो, ये पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, अपनी अपनी बात करने का तरीका होता है,
इसको गुट से कैसे मान सकते हो? सबकी आइडियोलॉजी एक है, कांग्रेस की विचारधारा के साथ सब लोग काम कर रहे हैं, सबकी नेता सोनिया गांधी है, सबके नेता राहुल गांधी है, फिर उनके गुट कैसे हो सकते हैं बताओ? पार्टी में एक नेतृत्व है, हमारी नीतियां, हमारे कार्यक्रम है, विचारधारा है, उस पर काम करते हैं सब। कांग्रेस के लिए 2017 जैसा माहौल है गुजरात में, इस बार 2022 में भी उससे भी अच्छा माहौल बनेगा। अभी जो बादल है ना, वो आप एक आध महीने में छट जाएंगे, आपको पता चलेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सरासी के साथ इतिन क्लानी, जी मीडिया।